बताइए ना यार। एकता का संदेश है, सब भारतवासी एक होकर उस दिन जिस दिन सरदार पटेल का उनका जन्मदिन है, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया, उनके दिवस पर हम सब भारतवासी एक होकर दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार पूरा देश हमारा प्रकृति की ओर दौड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, आज का यही संदेश। संदेश क्या है? पहली बात जो है, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य कर रही है। दूसरी बात यह है कि सरदार पटेल की वजह से आज ये देश जो है इकट्ठा है। 562 या 65 रियासतें थी, किसी की क्षमता नहीं थी जो इकट्ठी कर सकती, वो सारी रियासतें इकट्ठी करके एक भारत देश बना जिसे हिंदुस्तान कह रहे हैं आज। तो सरदार पटेल की मेहनत और परिश्रम से ये आज हम लोग जो है ये जश्न मना रहे हैं। तो आज उनका चूंकि जन्मदिन है, इस पर हम लोग आज पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जश्न की तरह मन रहा है। पटेल की जयंती के मौके पर उनको भारत के इतिहास में सही स्थान दिलवाने के लिए उनकी 182 मीटर की प्रतिमा आज देश को समर्पित की जा रही है। ये पूरे भारत के 125 करोड़ देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है, जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा की। लेकिन कुछ परिवारों के राजनीतिक वर्चस्व के कारण उनको वास्तविक स्थान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी व इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो आज स्थान दिया है, वो निश्चित रूप से 125 करोड़ देशवासी उनके योगदान को याद रखेंगे। आज पूरे भारत में पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की भारत को समर्पित की जा रही है। ये 125 करोड़ देशवासियों के लिए महान गौरव का क्षण है।